और आज इंडिया का पांचवा मैच था और बैक टू बैक विन करते आ रहे हैं, और न्यूजीलैंड को भी इंडिया का सामना पड़ना ही था। जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी बहुत टफ टीम होती है और जो मुखालिफ टीम खेल रही होती है उनको भी टफ टाइम देती है, लेकिन इंडिया के जब मुकाबला आया तो इंडिया ने 200 पे पूरी ऑस्ट्रेलिया को बुक करके रख दिया था और चेस भी किया था। आज कोहली बैक टू बैक तीन मैचेस कोहली ने विन करवाए हैं अपनी टीम को। पता लगता है कि यार ये लेजेंड है। अगर किसी को हम लेजेंड कह रहे हैं तो वो आज साबित करता है कि यार लेजेंड का अगर लकब मैंने ले लिया तो उसका साबित भी करना है। एग्जैक्टली आप हमारे मैच में देख लें जो उनका पाकिस्तान के साथ आते ही उन्हें अटैकिंग क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। उधर अगर हम अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखें तो हमारे जो कप्तान है वो काफ़ी डिफेंसिव है, जबकि इंडिया की पूरी टीम उनका जो पूरा खेलने का मैकेनिज्म है वो टोटल फास्ट क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है, तो वो उनका एक विनिंग फैक्टर है जो मैं समझता हूँ। आप भी पाकिस्तान सोशल मीडिया यूज़ तो डेफिनेटली करते होंगे या वैसे भी पब्लिक से आपस में बात होती है, यहाँ पर जो कंसेप्ट बनाया जा रहा है जी कि ये इंडिया में मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इसलिए ये आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई का प्रेशर है। फिक्स तो नहीं था सर, इंडिया तो और पाकिस्तान को मैच फिक्स का आश्रम वहां पे गए हुए थे, सबको यही लग रहा था भी। अच्छा, आपको भी ये लग रहा मैच फिक्स है? हां जी जहरी बात है, कोई आखिरी पाकिस्तानी है, एक भी ऐसा नहीं है जो लगे कि भाई जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है इस पर हम क्यों कहते हैं कल हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं और बुरी तरीके से हारे हैं। नहीं नहीं, वो बुरी तरीके से नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने 364 रन कोई छोटे रन है जिनसे हम हार गए। नहीं सर, दरअसल क्योंकि इफ्तिकार भी आउट हो गया था, उसके अलावा जो रिजवान थे, यही लग रहा था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर विराट कोहली इजी ले गया मैच को एंड तक और अच्छा विन करवाया और 95 किया है, आई थिंक उसको सेंचुरी करना चाहिए था और इस पर उसे भी दुख हुआ होगा और मुझे भी हुआ है कि बड़ा प्लेयर था, सेंचुरी होनी चाहिए थी क्योंकि मैच विनिंग उसने इनिंग खेली है तो सेंचुरी होनी चाहिए थी। देखिए मैच उन्होंने जितवा दिया है, विराट कोहली ने आज मैच जितवा दिया, सेंचुरी हो ना हो लेकिन उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपको पता है वो किंग है, क्रिकेट का किंग है और उसने आप फिर शो कर दिया कि ही इज़ द प्लेयर, ही इज़ द लेजेंड। और आपको पता है बड़े सालों से इंडिया न्यूजीलैंड हमारी टीम जो है ना वो अननेसेसरीली उसका प्रेशर ले जाती है। अब जैसे भाई बड़ा प्लेयर आ गया वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो मैच था, हालांकि हारिस रऊफ को माड़ा बॉलर नहीं है, वो डिफेंड कर सकता था, अब बैक ऑफ द लेंथ उसने बॉलिंग की, उसने उठा के छक्के मार दिए, बाद में हम मेंटेलिटी का अंदाजा लगाए, वो कह रहे हैं कि वो कोहली है वो मार सकता है, मतलब आप खुद अपने आप को जो है डाउन कर रहे हो, तो फिर इस तरह की चीजें तो होती है। बस ये अभी इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अगर बात करें, उन्होंने अपना किया है, बैटिंग की है और छक्के लगाए हैं हारिस रऊफ को, आगे थोड़ा सा आ जाए, क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? उसके 10,000 ओडीआई रन हैं बाकी। हेलो दोस्तों, विराट किंग कोहली एक बहुत बड़ा नाम है भारत के अंदर और इस ये चीज़ जो है दोस्तों हर कोई देखता जा रहा है और हैरान होता जा रहा है। दोस्तों विराट किंग कोहली ने सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यार विराट कोहली थोड़ा शतक से चूक गया, नहीं तो खुशी जो थी वो 8 गुना और बढ़ जाती। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो सामने ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट, पाकिस्तान की पब्लिक तो साफ बोल रहे कि बाबर आजम को विराट कोहली से जाके चुपचाप सीख लेना चाहिए और ज़्यादा आवर पावर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। पब्लिक का बोलना है दोस्तों, उनकी पब्लिक बोल रही है बाबर आजम है जो खाली टुक टुक करता और अपने रन बना के निकल लेता है, यानी कि अगर इस कंडीशन में बाबर होता तो बाबर यहाँ से मैच नहीं जीता पाता, ये निश्चित रूप से ये बात है, यही कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। क्योंकि विराट कोहली ने जिस सिचुएशन से मैच निकाला दोस्तों, आपने भी पूरा मैच देखा होगा, एक समय पर 192-5 थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इंडिया का और कोई बल्लेबाज होता तो बहुत कम चांस है मैच निकाल पाता, लेकिन विराट तो ऐसी आदत सी लग गई है उनको ये मैच फिनिश करने की। तो भी पाकिस्तान की मीडिया दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक ने क्या कहा रिएक्शन में, तो देखते हैं वीडियो में। एशिया कप वो जीत कर आ गए, वो भी श्रीलंका के अंदर से, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जो टीम बैलेंस है सर उनकी, ये भी है टीम का खासा फर्क है, क्योंकि हमारी टीम है, हमारी टीम में एक तो नसीम शाह है, उसके जो मामला थे वो जारी बात अनफिट हो गया, में तो नसीम शाह भी थे, लेकिन वो बैड लक हो जाती है, कोई इशू नहीं, इतना इशू नहीं है अभी यार। बैड लक हमें 8 मैचेस के अंदर सामना हुआ वर्ल्ड कप के अंदर, एक मिनट रुक जाइए काइंडली, 8 मैचेस के अंदर हमारा आमना सामना हुआ है हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड कप के अंदर और हम 8 मैचेस आ रहे हैं भाई, ये भी आप कहेंगे कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, ये भी कहेंगे सर? जो हमारी टीम है इंशाल्लाह, हमें तो अपनी टीम से प्यार है, जारी बात है वो हारे या जीते जो भी करे, अगर ये सारे मैच भी अगर हार गई तो हम तो हमारा तो मैच, हमने तो उनका मैच देखना है ना। फिर क्या कहेंगे न्यूजीलैंड से मैच जीतने के पीछे और पाकिस्तान के इंडिया से मैच हारने के पीछे? तो मैच फिक्स तो नहीं था
सर इंडिया तो और पाकिस्तान को मैच फिक्स गाजर वहाँ पे गए हुए थे, सबको यही लग रहा था अभी। अच्छा, आपको भी ये लग रहा मैच फिक्स है? हाँ जी जहरी बात है, कोई आखिरी पाकिस्तानी एक भी ऐसा नहीं है जो लगे कि भाई जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है इस पर हम क्यों कहते हैं कल हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं और बुरी तरीके से हारे। नहीं नहीं वो बुरी तरीके से नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने 364 रन कोई छोटे रन है जिनसे हम हार गए। नहीं सर दरअसल क्योंकि इफ्तिकार भी आउट हो गया था, उसके अलावा जो रिजवान थे रिजवान भी आउट हो गए। हाँ अगर एक भी ज़रा कुछ 5-6 ओवर इंशाल्लाह क्रीज पे खड़ा रहता तो इंशाल्लाह मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान का था, लेकिन इतने ही रनों की आप यही सिचुएशन क्रिएट करके आप इन्हीं रन का टारगेट आप इंडिया को इमेजिन करें पाकिस्तान की जगह, और आप इमेजिन करें कि क्या वो रन ये चेस कर सकता है ताकि नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले दफ़ा जो आपको पता है सीरीज हुई है कुछ वर्ल्ड कप से पहले हुई है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने 350 कुछ किया था तो इंडिया हार गया था अपने होम ग्राउंड में हार गया था। अच्छा जी सर, तो क्या लगता है कि आपको क्या हम इंडिया का मजीद मुकाबला कर सकते हैं किसी और चैप्टर के अंदर किसी और कप के अंदर या आने वाले मैचेस के अंदर? क्या लगता है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाएगा? आरिस राव को माड़ा बॉलर नहीं है, है। वो डिफेंड कर सकता था, बैक ऑफ द लेंथ उसने बॉलिंग की, उसने उठा के छक्के मार दिए, बाद में हम मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं वो कह रहे हैं कि वो कोहली है वो मार सकता है, मतलब आप खुद अपने आप को जो है डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो फिर इस तरह की चीजें तो होती है। अच्छा, बस ये अभी इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अगर बात करें उन्होंने अपना की है बैटिंग की है और छक्के लगाए हैं आरिस राव को, आगे थोड़ा सा आ जाए क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर उसके 10,000 ओडीआई रन हैं, हाँ। बाकी इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कुछ कहने की जरूरत है, वो बहुत तो अच्छा प्लेयर है, एक तो एक्सपीरियंस हाँ। उसके बाद अच्छा प्लेयर है और अच्छा। जो सबसे बड़ी वजह है कि उन लोगों ने उन ग्राउंड्स के अंदर को 10-12 साल से आईपीएल खेल रहे हैं तो उनको पता है होम क्राउड एडवांटेज उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो वैसे ही बंदे की जो एनर्जी है वो बूस्टअप कर देता है, ठीक है। लास्ट में बस मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, कैप्टन भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी साथ कर रहे हैं, ओपनिंग बहुत अच्छी मतलब मैच को ओपन करते हैं, और साथ बाबर आजम भाई की अगर बात करें वो भी कैप्टन भी हैं और साथ जोन सा वो बैट्समैन, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरीके से, क्या कैप्टनसी का प्रेशर ले जाते हैं कि कप्तान है टीम को भी ले कर चलना है? मेरे ख्याल में अभी जो सूरत हाल जो मेरे ख्याल में उनके माइंड में जो बात होगी ना वो ये है कि अभी आप सिचुएशन देखो कि अगर बाबर स्कोर करता है रन्स करता है तो टीम खड़ी रहती है, सही है। जहां पर वो आउट होता है टीम भी वहीं पे सारी रेत की, ठीक है। बाबर या मोहम्मद रिजवान ये दो मेन तो ये दो हैं, तो इस वजह से एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है कैप्टनसी का तो वो है उनके पर, मगर ये है कि अभी जिस तरह वो मतलब परफॉर्मेंस जा रही है वो रन्स कर सकते हैं मगर थोड़े से अनलकी हुए हैं लास्ट टू मैचेस के अंदर ना। अभी अफगानिस्तान के साथ जो मैच है क्या लगता है, ये 2-3 साल से अफगानिस्तान के साथ भी बड़ा ना एक मैच हारे जीते वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन एक आपस दोस्तों रिएक्शन आपने देख लिया होगा, तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो ये था कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि विराट किंग कोहली जैसा बाबर हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि बाबर आजम के बारे में एक रियलिटी ये है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है, और जो छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है वो खिलाड़ी ऐसा ही होता है जब उसके सामने बड़ी टीमें फंसती हैं तो वो खुद फंस जाता है। अब यही हुआ है बाबर आजम के साथ। बाबर आजम यार थोड़ा अपने लिए थोड़ा सेल्फिश प्लेयर है, सीधी से याद है हर कोई कह चुका है कि सेल्फिश प्लेयर है। रिजवान भी ऐसी है अपने रन करता निकल लेता, वो श्रीलंका के वाली पारी याद है दोस्तों, वो मैं एक बात बता देता हूँ, श्रीलंका की वो बॉलिंग नहीं खेली जो बॉलिंग खेलनी चाहिए, और आप जैसे कि जानते हैं उस श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया था, वो रिजवान की बदौलत उन्होंने हरा दिया था, लेकिन दोस्तों चेस मास्टर द किंग कोहली इसके बराबर कोई नहीं है, ये तो हर कोई किसी का मानना है। दोस्तों देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।